नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामया चोपड़ा है। आप हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों। और दूसरी ये बात है कि हमारा वीडियो आज तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दोस्तों हमारे वीडियो को। तो दोस्तों, आज पूरे शहर में, अपने राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है। गर्मी का टाइम आ गया है, पानी साथ साथ आठ आठ दिन, दस दस दिन से पानी नहीं आ रहा है। इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों, बात करेंगे आज सिद्धमुख की दोस्तों। तो सिद्धमुख में पानी की बहुत किल्लत, भारी किल्लत है दोस्तों। तो अभी बात करेंगे दोस्तों हम पानी के बारे में। तो दोस्तों, महिलाएँ बोली इव चाहे कोरोना हो या कर्फ्यू, जीने खातर पानी चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। तो सिद्धमुख में एक सप्ताह में एक दिन आती है सप्लाई, सार्वजनिक नलों पर लगती है कतार। कस्बे में पानी का संकट कोरोना से भी बड़ा है दोस्तों। पिछले 10 वर्षों से लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन पानी की समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। वैसे तो कोरोना काल में लोगों को घरों में रहना चाहिए, ऐसा सभी कह रहे हैं, लेकिन सिद्धमुख की महिलाओं को कोरोना के इस खौफनाक दौर में भी पानी के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है दोस्तों। शनिवार को वार्ड 10 में पानी भर रही महिलाओं ने बताया कि हमारे लिए कोरोना से बड़ी समस्या पानी की है। अपनी योजना में सप्ताह में एक बार ही पानी की सप्लाई आती है, इस सप्लाई में भी पर्याप्त पानी नहीं आ पाता है। ऐसे में सार्वजनिक नलों पर भीड़ रहती है। वार्ड की सुमन, सीता और सरोज ने कहा कि इब चाहे कोरोना हो या कर्फ्यू, जीने के लिए पानी तो लेके आना ही पड़ेगा। महिलाओं ने आगे कहा कि एक दिन पानी की सप्लाई में पूरा पानी नहीं मिल पाता, ऐसे में 1200 रुपये का टैंकर मंगवाना पड़ता है। अगर टैंकर नहीं मंगवाते हैं तो फिर गांव के कुएं का पानी काम में लेना पड़ता है, जो कि खा रहा है पानी। अधिकारियों को कई बार बताया लेकिन समाधान नहीं हुआ। सरपंच पानी की समस्या के संबंध में सरपंच महावीर सिंह जांगिड़े ने बताया कि गांव में लंबे समय से पानी की समस्या है। पानी की किल्लत को लेकर कई बार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अभी नहर बंदी चल रही है, उससे भी पेयजल सप्लाई प्रभावित हो रही है। नहर बंदी खत्म होने के बाद पेयजल सप्लाई दुरुस्त कर दी जाएगी। और इधर डोकवा गांव में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सादुलपुर डोकवा गांव के पूर्व में स्थित मोहल्ले में पिछले 6 माह से पानी की समस्या बनी हुई है। 70 घरों की बस्ती वाले मोहल्ले की महिलाओं को पानी के लिए रेलवे लाइन पार्क जाना पड़ता है। पानी लाने के दौरान हर समय हादसे की आशंका भी बनी रहती है। पेयजल समस्या को लेकर शनिवार को मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन किया और पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान के अनूप राजेश भामासी के नेतृत्व में कमला परमेश्वरी, फुलाराम अशोक, राम कुमार, सही राम, जयपाल सरोज, परमेश्वरी इंद्रावती, महेश कुमार, राजेश संजय आदि ने नारेबाजी कर विरोध जताया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नई नई खबरें देखते रहिए दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हमें बहुत खुशी मिलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।